हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है डायलिसिस। डायलिसिस अगर बोला जाए तो ये एक मेथड है, प्रोसेस है, आर्टिफिशियल किडनी किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन करती है, ब्लड को जो प्यूरिफाई करते हैं उसका काम कैसे होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आप ऐसा कह सकते हैं जो हमारी जो डायलाइजर मशीन जो होती है उसको हम लोग डायलाइजर बोलते हैं, डायलाइजर, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करेगी, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन है सर्वाइवल के लिए, लेकिन सम टाइम जो किडनी है और जो जितने भी रीनल फेलियर है में आकर ड्यू टू बैक्टीरिया इन्फेक्शन, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू किडनी और इंजरी टू किडनी। और कुछ केसेस में क्या होता है, जो ब्लड होता है मेटाबॉलिक और एक्सक्रीटरी वेस्ट का, उसको वाटर को मेंटेन करने के लिए, कुछ साल्ट बैलेंस उनको मेंटेन करने के लिए हम लोग एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं जिसको हम लोग डायलाइजर बोलते हैं। और ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करेगी स्टूडेंट, डायलिसिस। तो डायलिसिस की हम लोग बात करते हैं, एक ये मेथड है, इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लार्ज वंस यूजिंग अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लार्ज मॉलिक्यूल से सेपरेट किया जाएगा, एंड इट इज सेलेक्टिव फिल्टरिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ओनली एंड कीपिंग बैक ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। अगर हम लोग बात करें हीमोडायलिसिस की, इट विल सेपरेट स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये सेपरेट करेगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, सेपरेट स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक यूरिया एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम ब्लड। तो आप ऐसा कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो ब्लड डायलिसिस है इसको हम लोग हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं, डायलिसिस को ही हम लोग ब्लड डायलिसिस बोल दें या फिर हीमोडायलिसिस। While the large one like proteins are retained in the plasma. दूसरी बात अगर हम लोग करें, इस apparatus में blood को flow कराया जाता है through long SPM, long semi-permeable membrane tubes. और ये जो semi-permeable membrane है, impermeable है large molecules को, जैसे कि plasma protein, और permeable है, it is permeable to urea. and other metabolic waste. These tubes are present in tank containing a special fluid जिसको हम लोग dialyzing fluid बोलेंगे, dialyzing fluid। और जितना भी हमारे पास blood flow हो रहा है tubes में, inside dialyze it flows outside the opposite direction। और इस तरीके से dialysis के समय जितना भी हमारा waste product है वो blood से बाहर आ जाएगा, diffuses from blood into the dialysis, वो dialysis fluid में चला जाएगा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है स्टूडेंट। तो बहुत ज्यादा डिटेल हमें इसके मेथडोलॉजी से नहीं आता, सिर्फ आपका वन मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि डायलिसिस प्रोसेस है उसका प्रिंसिपल क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लार्ज मॉलिक्यूल से सेपरेट किया जाएगा। और ब्लड को हम लोग क्लियर करते हैं कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड और अदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक इट डज नॉट लूज इट्स प्लाज्मा प्रोटीन्स। द क्लीन ब्लड कम आउट ऑफ द एपरेटस इज वार्म टू द बॉडी टेम्परेचर मिक्स विद एन एंटी हिपेरिन, हिपेरिन आपको पता है एंटी कोगुलेंट है, टू री स्टोर इट्स कोगुलेबिलिटी एंड रिटर्न टू द वेन ऑफ द पेशेंट। हीमोडायलिसिस सेव एंड प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ मैनी पेशेंट। जब कभी रीनल फेलियर हो जाता है तो हम लोग, जब कभी किडनी फेलियर हो जाता है या हम लोग रीनल फेलियर बोल सकते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये डायलिसिस जो है वो काम करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स, थैंक यू।